गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ हमारे सेवाधर्मा फाउंडेशन यानी कि हमारे एनजीओ की तरफ से प्लास्टिक फ्री कैंपेन के लिए। वहां पर हम लोगों को मार्केट एरिया में ये रिक्वेस्ट करेंगे प्लास्टिक का यूज कम करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कपड़े का बैग यूज करें। तो इसको लेकर ये पूरी वीडियो होने वाली है गाइस, देखते हैं लोगों का कैसा रिएक्शन रहेगा। यार मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। कुछ लोग अच्छे बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे, ये पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, लिख पत्थर, बट वो मैटर नहीं करता है। मैं लिखना चाहता हूँ कि लोग क्या थिंकिंग रखते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो प्लास्टिक को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, जो सोचते यार पहले फैक्ट्री बंद करवाओ, फैक्ट्री पे ताला लगवाओ, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे भाई। तो हम प्लास्टिक की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ पहला अच्छा क्वालिटी वाला यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मैं आज जाने वाला हूँ, देखते हैं लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सौरभ जोशी के पैरोडी वीडियो भी है साथ में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर और मैं जाने वाला था, जैसा कि आपको कहा था, कि सेवाधर्मा फाउंडेशन की तरफ से आज एक कैंपेन है। तो मैं जैसे निकल ही रहा था वैसे ही बारिश आ गई, तो मैंने नाश्ता कर लिया तब तक, और नाश्ता में मैंने आज चाय और पराठा खाया है गाइस। तो गाइस बाहर जो बारिश हो रही थी वो बंद हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरे गेट में ताला मारा हुआ है। तो गाइज इसलिए मैंने चाबी बुलवा ली और मैं इस चाबी से अपना गेट खोलूंगा। तो गाइज मैंने गेट खोल लिया है। तो गाइज मैं स्कूटी से जाने वाला हूँ, इसलिए पहले स्कूटी को बाहर निकालना है। तो गाइज मैंने स्कूटी को बाहर निकाल लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो गाइज एक बार फिर से बारिश बहुत तेज होने लगी है आप जैसा देख सकते हो, तो इसलिए मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा। तो गाइज बारिश धीमी हो चुकी है और मैं फिर से निकल रहा हूँ। तो गाइज धूप निकल चुकी है और हम लोग अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और लोग जा रहे हैं बूढ़ी बाजार की तरफ। ये हमारे हाथ में कपड़े का थैला है, जो प्लास्टिक को अवॉइड करके कपड़े का थैला यूज करने की हम कह रहे हैं। और रवि भाई हमारे साथ है। रवि भाई क्या लिखा हुआ दिखा दो, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन। वाह, गाइज हम लोग अब आए हैं लाल कुटी में। हमारा जो कैंपेन चल रहा है स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ मार्केट एरिया में आकर लोगों को बता रहे हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करें और कपड़े का थैला ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इसलिए ये मूवमेंट हम चला रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। ফ্যাক্টরি না বন্ধ হলে, হ্যাঁ আমরা জানি কি সবাই একটাই কথা বলে কি ফ্যাক্টরি না বন্ধ হলে আমরা কি করবো, কিন্তু আপনারা কাস্টমারকে বোঝাবেন, চেষ্টা করবেন প্লাস্টিক কম ব্যবহার করার। আমরা জানি সবাই বলছে আমাদেরকে ফ্যাক্টরি না বন্ধ হলে, কিন্তু চেষ্টা করবেন আমরা সবাই মিলে বললে। আরে ইয়ে পড়নে লিখতে নেই জানতে, লিখ তো আপনি ঘরে তো কই পড় সকতে, কই পড়নে ওয়ালা নেই হ্যাঁ প্লাস্টিক কম ইউজ কি।
बहुत अच्छा भैया को बैग दे दो एक दे दीजिए लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा सा समझाने का कर তোমার কাজ আছে তুমি বলো কাস্টমার মানবে না মানবে কাস্টমার উপরে तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने कोशिश किया लोगों को कन्विंस करने का कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा हो तो कपड़े का बैग यूज करें। कुछ लोगों का रिएक्शन आपने देखा कि नेगेटिव था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव था। भाई देखो, अगर तालाब में गंदी मछलियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तालाब ही गंदा हो जाए। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक फ्री चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने एनवायरनमेंट को लेकर। लेकिन भाई जिन्हें फर्क पड़ता है उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करो भाई, शेयर करो इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो भाई आप दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, ग्रुप से शेयर करो। बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये मैसेज जो आपको चाहते हैं, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है, किसी को फर्क पड़े ना पड़े हमें जरूर पड़ता है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए। और हाँ गाइस, कमेंट कर जरूर बताना आप प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट हो या नहीं हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।